-E uh, sure सात दिन में जिससे आप लोग अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाए और पॉसिबली अपने स्कोर को या तो मेनटेन कर पाए या इंप्रूव कर पाए बट मेरा टारगेट और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे प्लीज ढंग से सुनिएगा इम्प्रूव हो या ना हो आपको एटलीस्ट मेंटेन करके चलना है सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट इज जितना हमारा पोटेंशियल होता है द स्कोर दैट वी आर ऑलरेडी ऑप्टेनिंग एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी गो फॉर द फाइनल एग्जाम आवर स्कोर इज नॉट एक्सपेक्टेड एज व्हाट वी गाइस वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी मतलब हम सोच रहे थे 180 बन रहा है सर 180 ही आ जाएगा या 190 बट इवेंचुअली वो रिड्यूस होकर हो गया 130 एंड उसमें पढ़ाई का कोई गेम नहीं है पेपर टफ आया इसका कोई रोल नहीं है मेरी नॉर्मलाइजेशन अच्छी हुई या नहीं हुई उससे कोई गेम नहीं है प्रॉब्लम हो जाती है आपने लास्ट वन वीक कैसे यूटिलाइज करा दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड नॉट जस्ट वॉच दिस वीडियो आपको समझना है और अप्लाई करना है फॉर द लास्ट फाइव सेवन एट वॉट एवर डेज यू आर लेफ्ट विद सो चेक लिस्ट में अगर हम बात करते हैं ठीक है तो चेकलिस्ट क्या है so what to study? so there is a lot of confusion in terms of sir, what i should prepare for. should i, uh, a lot of times, the question is being asked, sir, should i still watch any online video? right, any online video, be it uh, one shot, be it uh, multiple uh, sources are there, be it math go videos, whatever. i would say a big no. right, especially to long videos. especially to long videos. देखिए वीडियोस का टाइम जा चुका है ये लास्ट का जो टाइम uh, होता है इट इज नॉट फॉर वीडियोस मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं कि अगर आप नोटिस करें मैं अपनी हर वीडियो में इवन इट्स अ मॉर्निंग मोटिवेशन वीडियो और एवर इट माइट बी आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट डू नॉट डू नॉट गिव यूशियल आर्स टू समी एल सो वॉट दी बड़ दिसन

सेल्फ कॉन्फिडेंस रिलाइज नहीं होगा और अगर मुझसे पूछा जाए गिवन माय एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट इयर्स इन दिस इंडस्ट्री व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्कोर रियली गुड मार्क्स एट द एग्जाम दैट इज नॉट नॉलेज दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉलेज तो सबके पास काफी अच्छी होती है जब आप आई जैसे एग्जाम में जा रहे हैं बट सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें से कई लोगों के पास नहीं होता जो जिनके पास होता है वही टॉप रैंक्स लेके बैठे होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई पिल तो आती नहीं है आप बोले सर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा क्या करूं बहुत सारे बच्चे हमें क्वेश्चन पूछते हैं ये पिल नहीं, है। के नहीं सीख सकते दो वी आर ऑलरेडी लेट इन प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस पर ये काम करके आप अपने आप को और बिगाड़ रहे हैं कमिंग टू द पॉइंट सेल्फ रिवीजन करनी है, आपने जितना पढ़ा है को, कोई भी नया क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं ओरल रिविजन नो न्यू क्वेश्चन एक्चुअली यू डू नॉट रिक्वायर टू सोल्व एनी न्यू क्वेश्चन बाय द वे नो न्यू क्वेश्चन इनफैक्ट ओरल रिविजन का क्या मतलब है आप हर चीज को देखें ओके okay, ओके okay, अच्छा हाँ ऐसा ऐसा दिमाग में सोचे हाँ यार ऐसा था रिएक्शन uh, का नाम ये था तो रिएक्शन का मैकेनिज्म ये था हाँ ये होता था ये रिएक्टन था ये प्रोडक्ट था अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट uh, स्टेप क्या होता है होगा होना चाहिए अच्छा ये होना चाहिए इसमें सॉल्यूशन में चेक करा हाँ वही है आगे बढ़ गए पेन पेपर करने की जरूरत नहीं दिस इज हाउ यू क्विकली रिवाइज ऑन थिंग्स राइट सो ओरल रिविजन नो न्यू क्वेश्चन कोई कितना भी कह दे बहुत बढ़िया है है uh, क्वेश्चन है।, no है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से ओरल रिविजन के तरीके से करें ऐसा मत करें कि अब पुराने 2005 से लेकर 2009 या उससे भी पुराने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब बैठ के सोल्व करें अब

करने में बहुत अच्छी लगती है पर रिजल्ट शून्य बिलीव मी ऑन दिस सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स नहीं कर पा रहे हैं एक दिन में दो सब्जेक्ट्स करें ब्रेक दे, दे के करें इंटरवल साथ करें बहुत जरूरी है और वही पढ़ें जो आपने पढ़ा हुआ है बार बार रिपीट कर रहा हूं वही पढ़ना है जो आपने पढ़ा हुआ है जिससे आप क्या करें कॉन्फिडेंस डिराइव कर पाए कि यार पेपर में जा रहा हूं पेपर तो मैं फोड़ के आऊंगा दैट इज समिंग विच डूइंग मोर एंड मोर ऑफन तो उनका मतलब क्यों है उनको मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि तो उनका हो सकता है रिविजन ऑलरेडीट हो चुका हो नाउ दे जस्ट वॉन्ट दैट आई एम गेटिंग बोलॉजी बट क्या करूं मैं तो डेली टेस्ट वो लोग दें बट अगर आपका 180 नहीं है आप कहीं 120 से 150 के बीच में स्टक हुए पड़े हैं तो इसका मतलब अभी भी रिवीजन का थोड़ा बहुत स्कोप बचा है आपके पास तो आप क्या करिए अल्टरनेट दीजिए यू कैन टेक अल्टरनेट टेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हम लोग मेरा दोस्त दे रहा है डेली तो मुझे भी देना चाहिए ये सबसे घटिया तरीका होता है इसमें क्या मतलब हुआ आप अपने ऊपर

ये वाला इमोजी आ जाता है और कई कई बार अकेले में बैठ के ये वाला इमोजी भी आ जाता है ठीक है ना ये काम नहीं करना है ये वाला एक्सप्रेशन मुझे किसी भी बच्चे के चेहरे पे नहीं चाहिए तो स्कोर देखना बंद कर दीजिए ठीक है अजीब बात है मुझे पता है ये नहीं हटा पाएंगे कई कई बातें जो हम बोलते हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट स्कोर देखोगे इसके ऊपर ज्यादा दिमाग जितना लगाओगे मैं अब एक सजेशन ही दे सकता हूँ द मोर यू विल थिंक अबाउट इट द लेस

आपको सेंटर पे शायद पहुंचना होगा 7:30 और 7:30 पहुंचना होगा तो घर से और जल्दी निकलना पड़ेगा और उठना बहुत जल्दी पड़ेगा सारा शेड्यूल चेंज हो जाएगा सो पीपल मॉर्निंग स्लॉट ट्राई टू गेट अप आई शुड नॉट से अब ऐसा मत करना सर मैं जल्दी उठ गया था तो मैंने जल्दी पेपर ले लिया नहीं ये तीन घंटे ये जो थ्री आवर्स

सेवन थर्टी टू नाइन जो होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो सेवन थर्टी टू नाइन में आपका डेली रूटीन भी कैसा होना चाहिए? उस तरीके से पूरा अपना बॉडी मैकेनिज्म को प्लीज रिवॉल्व करिए प्लस हमें मास्क है ठीक है मास्क के ऊपर अभी ये नहीं बोला गया है कि आपको फुल ड्यूरेशन के लिए मास्क लगाना है तो आप घर पे मास्क लगा के प्रैक्टिस करिए मतलब मान लीजिए थर्टी मिनट्स प्रैक्टिस करा फिर हटाया बिकॉज सफोकेशन होगा तो प्लीज टेक दिस दिसकॉशन कि अगर इफ यू आर फीलिंग्स टू मच सफोकेटेड तो अभी मत प्रैक्टिस करिए बट मास्क मास्क लगा के प्रैक्टिस करिए क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज मास्क की वजह से आपका जो ब्लैंकआउट का फेस है वो जल्दी आएगा तो इसको रिवॉल्व करना है इसको हटाना है तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए ठीक है।, है नहीं तो आप प्रैक्टिस फिर से नहीं कर पाएंगे सो so, इन दो बातों पे ही फोकस करना है

i have to make sure that it is synchronous with the last final day plus i would also try to practice wearing mask because that is what i would be doing at the final day start doing this these are the two critical steps that you have to follow in the last particular week and just keep on repeating this is repeat or kuch so this is what i had with you focus on yourself rather than anybody else Our time is samay अगर आप किसी और को दे रहे हैं मुझे भी दे रहे हैं वो गलत है ये वीडियो आपने देखा दस मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं बट घंटे घंटे मत दो यार किसी को किसी को भी मत दो अपना देखो हो सकता है पुरानी वीडियोस में आपको कुछ अच्छा लगा वो आपने वापस जाके देख ली नई वीडियोस मत दो क्योंकि उनको एबजॉर्व करने के लिए वो भी क्या होगा वो भी एक हिस्सा ऐसा बनेगा जिसके लिए आपको रिविजन करनी पड़ेगी अभी आपसे ऑलरेडी वो चीज नहीं हो रही जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है रिलैक्स एंजॉय करना है अभी उसके ऊपर भी बात करूंगा क्योंकि अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसीलिए आप दिन में जरूर थर्टी मिनट्स टू वन आवर अपने लिए एंजॉयमेंट के लिए रखिए सारा समय पंद्रह घंटे नहीं पढ़ना है अब पंद्रह घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा यह हम स्टूडेंट्स की हमेशा गलती होती है कि हम पेपर से बस पहले पहले बैठ के पंद्रह घंटे पढ़ रहे हैं पंद्रह घंटे आपको दो साल पढ़ना था अब नहीं अब अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी आपको दिन भर लगेगा मेरे को रिविजन करनी है मेरे को रिविजन करनी है एंड यू विल हैव लाइक पैनिक अटैक्स ऑफ एंग्जाइटी नर्वसनेस दैट माई सिलेबस इज लेफ्ट आउट डू नॉट डू दैट इन्जॉय भी करिए एक घंटा आधा घंटा रिलैक्स रखिए अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करिए दैट इज वॉट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग ऑन एंड आई विल कम अप विद गैट है योर सेल्फ हाउ टू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ बेटर बट प्लीज स्टार्ट डूइंग दीज टू एक्टिविटीज जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए